आएगा है ना, ये चीजें बाकी लोग तो नहीं देगा। आप कोई बात नहीं, उनको पता है इस बात, किसी भी डायरी खा लो, मुझे बहुत प्रसन्न था। क्या हाल है सर आपके, आप सब लोग कैसे हैं? बेसिकली गली क्रिकेट सीजन 2, ये हमारा 3 मार्च से सुपर 8 कैटेगरी जो हमारा सुपर 8 स्टेज है वो शुरू होने वाली है, जिसमें टोटल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से 7 टीमें जो पिछले ग्रुप की स्टेज से निकली आगे और एक टीम जो सूरत की है वो उनको ज्वाइन कर रही है। तो ये 2 ग्रुप में इनको डिवाइड करा गया है, 4-4 के। यहाँ पर ये सारी जो अपने ग्रुप में एक दूसरे को एक बार खेलेंगी, मतलब हर टीम 3 मैच मिनिमम खेलेगी, उसके बाद पॉइंट्स टैली के बेस्ड ऑन दी पॉइंट्स टैली टीमें 4 टीमें आगे जाएंगी। और हमने यहाँ पर क्रिकेट के सिवा काफ़ी एंटरटेनमेंट का इंतजाम करा है, मीत ब्रदर्स हैं, नेहा कक्कड़ हैं, फौजी है आपका लोकल, और अमिताभ बच्चन और सचिन के डुप्लीकेट्स हैं। फाइनल में जो 8 में से जो 4 टीमें टॉप टीमें होंगी पॉइंट्स टैली के बेसिस पे, वो 4 टीमें आगे जाएंगी। फिर जो टॉप टीम है, नंबर 1 टीम नंबर 4 टीम के अगेंस्ट खेलेगी और नंबर 2 टीम नंबर 3 के अगेंस्ट खेलेगी। वो सब टाइम वो लग जाएंगी सिरसा का, उसके बाद नेक्स्ट मैच है 7 जो टूर्नामेंट का दूसरा मैच है और सिरसा का पहला मैच होगा। बट सिरसा का अपना नेक्स्ट मैच है वो लुधियाना के अगेंस्ट खेलेगी, जिसका कि काफ़ी प्रचार भी हो रहा है, 10 वर्सेस 10 का इसे करके उसको एडवर्टाइज करा जा रहा है। और उनका लास्ट मैच होगा 6 मार्च को 9 बजे सूरत वर्सेस सिरसा। वो हो सकता है वो क्लिंचर हो जाए एंड में, क्योंकि जिस प्रकार से लास्ट मैच होता है वो रैंकिंग के लिए भी डिसाइड करने के लिए भी क्रिटिकल हो सकता है और अदरवाइज भी क्रिटिकल हो सकता है। और अभी भी सिक्योरिटी से संबंधित बातें हैं सारी, और मोहन सिंह को भी ड्यूटी दी गई है उसके बारे में, सिक्योरिटी वाले बुलाए हैं हमने बाहर से, तो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे खिलाड़ियों को दी जाएगी। और आशा है, बड़े आपसे हमें बड़ी आशाएँ रहती हैं, प्रेस वालों से पीछे भी मीडिया ने बहुत अच्छा इसकी कवरेज दी, और अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग ही हमारी जो ग्रामीण आंचल से जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं उनको ऊपर बढ़ाने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। और ये भरोसा है हमारा होली के बाद, रंगों के बाद, कि अब फिर से जो हमारी रंग बिरंगी बातें थी वो यहाँ ग्राउंड पे देखने को हमें मिली। सबसे बड़ी बात, गेम में खेलना होता है जीतने के लिए, हाँ होता है जीतना कोई वो नहीं होता, एक पार्टिसिपेट करना और खेलना सबसे बड़ा खिलाड़ी का होना चाहिए। और दूसरी बात, आप भाई लोगों के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता, जो आपने सहयोग दिया वो एक एक्सेप्शनल था, जो पिछली बार ने दिया जो आज तक देते हैं विद्यापीठ में, उसके लिए मैं सारी विद्यापीठ फैमिली की तरफ से आपका आभारी प्रकट करता हूँ। मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सिरसा में आके, आई मीन इट्स अ डिलाइट, कभी भी कोई भी हरियाणा के गाँव कस्बे में गई जब आना होता है तो वंडरफुल। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं पिछले बार थी फर्स्ट सीजन के अंदर, और इस वक्त हमने काफ़ी सारी सिटीज में हम लोग गए थे, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आई मस्ट से पीट एंड गली क्रिकेट जो ऑर्गेनाइज किया है, हम लोग तो आके आते हैं बोल के चले जाते हैं, बट द एफर्ट बिहाइंड दिस होल इवेंट, इट्स अमेजिंग जो वादर ब्रदर्स कर रहे हैं, जिस तरह से आई मीन टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बहुत। और दूसरा सीजन भी कर रहे हैं तो ये दे, और इस तरह से कई और सीजन काफ़ी चलता रहे ये सिलसिला। आई विल डेफिनेटली यू नो प्रे दिस कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रियलिटी शोज हर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में होना और बहुत अच्छा है, बहुत नया है। आई थिंक पहले बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि हम लोग क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ रियलिटी शोज कर रहे हैं, और जैसे छोटे छोटे गाँव शहरों से
यंग जो जो हुनर है, जो टैलेंट है खेल का, वो उभर के आता है, उनको एक्सपोजर मिलता है।